नर्स कहती है आई टेक इट. सर्वेंट कहती है माय ऑर्डर्स वर टू गिव इट टू द प्रिंसेस मीराबाई एंड नो वन एल्स. मुझे ये ऑर्डर्स मिले हैं कि मैं इसे सिर्फ प्रिंसेस मीराबाई को दूँ और किसी को भी नहीं. नर्स कहती है एंड माइन वर नॉट टू कॉल हर फ्रॉम हर प्रेयर. और मेरे ऑर्डर्स ये थे कि उन्हें प्रेयर से बाहर ना बुलाओ. पुट्स आउट हर हैंड गिव इट टू मी. अपने हाथ आगे करते हुए कहती है कि मुझे दे दो. सर्वेंट रूडली कहती है आई विल नॉट इवन इफ यू स्लैप मी एज यू डिड द अदर डे. The Rani heard of it and called me to her to learn the reason why her servants were insulted by those of the Princess Mirabai. नहीं दूंगी, तब भी नहीं दूंगी अगर तुम मुझे चाटा मार दो जैसे तुमने उस दिन किया था. रानी ने इस बारे में जब सुना तो उन्होंने मुझे बुलाया ये समझने के और जानने के लिए कि क्यों उनके सर्वेंट्स को मीराबाई के सर्वेंट्स द्वारा अपमानित किया गया है. नर्स कहती है आई होप यू टोल्ड हर दैट यू बींग अ लो बॉर्न वुमन मेड स्ट्रिफ एंड दैट योर टंग विच वैक्स फ्रॉम मॉर्न टू नाइट लाइक द टेल ऑफ अ पपी एंगर्ड मी. आई होप कि तुमने भी उन्हें बताया होगा कि बींग अ लो बॉर्न वुमन मेड स्ट्रिफ, एक छोटी कुल की वुमन होने के बावजूद भी तुमने जो जिस तरह से बदतमीजी की और बहस किया मुझसे, और तुम्हारी जबान जो कि सुबह से लेकर के रात तक की एक टेल ऑफ अ पपी की टेल की तरह चलते रहती है, एंगर्ड मी, ने मुझे गुस्सा दिला दिया. हु आई एम नो स्लेव ऑफ मेवाड़, और मैं कोई मेवाड़ की नौकरानी नहीं हूँ. आई हैव नो मोर टू से टू यू, मुझे इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं कहना है. सर्वेंट कहती है देन आई शैल वेट अंटिल द प्रिंसेस मे चूज टू शो हर सेल्फ. तो मैं तब यहाँ तब तक वेट करूँगी जब तक कि प्रिंसेस खुद मुझसे आकर के ना मिले. नर्स कहती है वेट टिल लाइफ एंड्स, दिस ऑल द सेम टू मी सो दैट यू सीज फ्रॉम स्पीच. तो कहती है कि जिंदगी खत्म होते तक यही इंतजार करो. दिस ऑल सेम टू मी, ये सब मेरे लिए बराबर ही है, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम रहो ना रहो. सो दैट यू सीज फ्रॉम, कम से कम तुम्हारा मुंह तो बंद होगा इस बात से. द सर्वेंट स्टैंड्स विद अ सलन स्काउल ऑन हर फेस बट बिकम्स अलर्ट एज सॉफ्ट चैंटिंग इज हर्ड फ्रॉम एन इनर रूम. सर्वेंट वहाँ पे अपने सलन स्काउल, अपने त्योरी चढ़ा करके बोलती है, अपना चेहरा बना करके मुंह खुला के वहाँ खड़ी रहती है और अचानक आवाज सुनती है अंदर से और अलर्ट हो जाती है. द वर्ड्स ऑलमोस्ट एज इफ स्पोकन टू अनदर पर्सन आर क्वाइट क्लियर. इस तरह के वर्ड्स सुन रही है जैसे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है जो कि स्पष्ट सुनाई दे रहा है. मीरा इज द सर्वेंट ऑफ हर बिलोड द माउंटेन होल्डर, शी केयर्स नॉट दो द पीपल मॉक हर. मीरा है अपने बिलोड की सर्वेंट है, अपने प्रिय की जो कि माउंटेन होल्डर है. शी केयर्स नॉट दो द पीपल मॉक हर, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या कहते हैं, ये लोग उसे मॉक करते रहते हैं. द सॉन्ग सीज्ड, सॉन्ग गाना बंद हुआ. मीराबाई सडनली अपीयर्स एट द डोर लीडिंग फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट. मीराबाई अचानक सामने आई उस दरवाजे से. हर आईज आर ब्राइट विथ मिस्टिक फायर, उसकी आंखें काफ़ी ब्राइट हो चुकी है. मिस्टिक फायर मतलब कि पूजा इतनी ज़्यादा कर लिया उन्होंने कि उनकी आंखें भी जो है ब्राइट हो चुकी है. शी हैज़ ग्रॉन वेरी थिन, काफ़ी दुबली हो चुकी है. बट लिट लुक्स लिटल मोर देन अ चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, बाकी काफ़ी दुबली हो चुकी है. हर लॉन्ग हेयर इज एंटवाइन विथ फ्लावर्स, अ डेलिकेट सेंट हैंग्स अराउंड हर. उसके जो लंबे बाल है वो फूलों से एंटवाइंड है और एक डेलिकेट सेंट उसके आसपास चल रही है. और नर्स राइजिंग टोन बोलती है माई चाइल्ड वी आर नॉट अलाउन, बेटा हम लोग अकेले नहीं है. मीरा बाई टर्न्स एंड सीज द सर्वेंट हु मेक्स हर एन इंसोलेंट सल्टेशन. मीरा बाई मुड़ती है और वो सर्वेंट को देखती है जो जिसने कि अभी इंसोलेंट सैल्यूटेशन किया है. मीरा बाई विथ सिंपल डिग्निटी, एक साधारण से भाव में कहती है बहुत ही सिंपली कि वॉट इज द रानी डिजायर ऑफ मी, रानी को मुझसे क्या चाहिए. सर्वेंट कहती है द मैसेज इज नॉट फ्रॉम मेवाड़ क्वीन बट फ्रॉम योर किन्समैन राजा जयमाल. मेवाड़ की महारानी का नहीं जयमाल का मैसेज है. मीराबाई कहती है एंड वॉट हैज़ ही टू से टू मी, आई हु एम क्वाइट फॉरगॉटन इन अ स्ट्रेंज लैंड. और जयमाल को मुझसे क्या कहना है, आई एम क्वाइट फॉरगॉटन इन अ स्ट्रेंज लैंड, मैं तो एक स्ट्रेंज लैंड में खो गई हूँ कुछ इस तरह से. सर्वेंट कहती है दैट इफ यू हैव नीड ऑफ हिम टू सेंड सम टोकन दैट ही विल अंडरस्टैंड, बस कोई मैसेज वगैरह तुम्हें उसे भेजना हो या कोई ज़रूरत हो उसकी, तो इस तरह से वो कुछ कहना चाहता है जयमाल, ये मैसेज है. मीरा बाई कहती है दिस स्ट्रेंज दैट यू द रानी इज वुमन शुड ब्रिंग दिस मैसेज, ये बहुत ही अजीब है कि ये मैसेज तुम लेकर के आई हो यहाँ पे.
रानी की जो दासी हो तुम लेकर के ये मैसेज आ रही हो मेरे लिए। सर्वेंट कहता है कहती है, राजा जयमाल सिट्स ऑन द राइट हैंड ऑफ मेवाड़। राजा जयमाल जो है वो मेवाड़ के राइट हैंड है। मीराबाई, एंड येट आई ऑफ द सेम हाउस एम लिटिल बेटर देन अ कैप्टिव। और मैं जो कि उसी घराने से हूँ, यहाँ पे एक कैदी से थोड़ी ही बेहतर हूँ बस। सर्वेंट कहती है, वॉट आंसर शैल आई टेक, तो मैं क्या जवाब लेकर के जाऊँ। मीराबाई विथ अ रैप स्माइल स्माइल देते हुए कहती है कि दैट आई हैव एवरीथिंग एंड नीड नथिंग, यही कि मेरे पास में सब कुछ है और मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। द सर्वेंट थ्रोस अ क्यूरियस लुक एट द प्रिंसेस इज गोड आउट गोज आउट। तो सर्वेंट जो है वो एक क्यूरियस लुक देती है प्रिंसेस की तरफ और निकल जाती है वहाँ से। नर्स कहती है, देयर वॉज अ विक्ड वुमन वन हु पुस ऑल शी हियर्स विथ मच एडिशन इन टू द रानीज ईयर्स। नो मैसेज केम फ्रॉम राजा जयमाल, दैट वॉज अ ट्रिक टू ल्यूर सम सीक्रेट आउट ऑफ यू माई चाइल्ड। तो नर्स समझाते हुए कहती है कि वो कायर औरत विक्ड मतलब ये कि कोई बुरी नीयत वाला या किसी का बुरा समझ सोचने वाला जो व्यक्ति होता है। देयर वॉज अ विक्ड वुमन, वो विक्ड वुमन जा रही है, वो सारी बातें जितनी भी सुनती है वो सारी रानी के कान में जाकर के सुना देती है। राजा जयमाल की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया है, ये सिर्फ एक तरीका था, एक ट्रिक थी कोई सीक्रेट तुमसे निकलवाने के लिए। मेरा वही कहती है कि आई हैव नो सीक्रेट्स एंड आई सेंट नो आंसर, मेरे पास में कोई सीक्रेट भी नहीं है और मैंने कोई आंसर भी नहीं भेजा है उसे। हर विजिट वॉज इन वेन एंड शी टुक नथिंग टू दोज ग्रीडी ईयर्स विच एक फॉर एविल न्यूज ऑफ मी। तो मैंने कोई आंसर भी नहीं भेजा, उसका यहाँ आना बर्बाद हो गया। एंड शी टुक नथिंग टू दोज ग्रीडी, और उन रानी को जाकर के सुनाने के लिए उसने कुछ भी यहाँ से लेकर के नहीं गई है जिससे कि मुझे कोई बुरी खबर मिले अपने लिए। नर्स कहती है, ओह बैड द डे व्हेन वी सेट आउट ऑफ फॉर मेवाड़। ओ वास्तव में बुरा दिन था जब हम लोग मेवाड़ के लिए निकले थे। मीरा बाई बोलती है कि डियर नर्स, आवर डेस्टिनीज हैव बीन रिटन लॉन्ग अगो, आर गोइंग फोर्थ एंड और टर्निंग बैक इज ऑफ सच स्मॉल अकाउंट इन दैट ग्रेट सम सेट बाय द गॉड्स ऑफ विच द आंसर इज हिडन फ्रॉम अस। तो मीराबाई कहती है कि देखिए ऐसा है कि हमारी किस्मत पहले ही बहुत लंबे समय पहले ही लिखी जा चुकी है, हमारा आगे जाना मुड़ना पीछे आना ये सारी चीज़ें एक स्मॉल अकाउंट है उस हिसाब किताब का जो बहुत बड़ा जो भगवान ने गणित लगाया हमारी ज़िंदगी जीने के लिए उसका ही एक स्मॉल अकाउंट है। ऑफ विच द आंसर इज रिटन फॉर्म, और इसका जवाब हमारे पास में नहीं होता है, हमसे छुपा हुआ होता है। ठीक है, नर्स कहती है हाफ इम्पेशेंटली, माई डियर यू टॉक इज फार बियॉन्ड योर एज, अपनी उम्र की अपेक्षा तुम्हारी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है। सच विजडम सिट्स बैडली ऑन यू, इतनी ज़्यादा विजडम तुम्हें आ गई है कि ये बहुत ही बुरी तरह मतलब आपके ऊपर चढ़ गई है विजडम। कम लेट मी कूम योर हेयर एंड पुट दिस नेकलेस ऑन यू विच आई हैव रिस्ट्रंग। आओ मैं तुम्हारे बाल बना दूँ और तुम्हें ये नेकलेस पहना दूँ जो कि मैंने खुद ने रिस्ट्रंग किया है, बुना है। इसे मैंने कूम पढ़ा है क्योंकि ये वर्ब का काम अगर करता है तो इसे कूम पढ़ना है, अदरवाइज इट्स कॉम। ओके, दैट द डे हैड नेवर पास when first I felt your hands upon my breast and knew you safe. Oh, मैं वो दिन अब तक नहीं भूल सकती जब पहली बार तुम्हें मैंने जब गोद में लिया और तुमने मेरे सीने पे हाथ रखा और जब मैंने जाना कि तुम बिल्कुल सेफ हो, और ये कहते ही वो रोने लगी। मीराबाई, माई काइंड वन मीराबाई इज ग्रेटफुल फॉर दोज टीयर्स। मीराबाई कहती है कि मीराबाई उन आंसुओं के लिए आभारी है। बट लुक एट पुअर संजोगता देयर, लेकिन उस संजोगता को देखो बेचारी को। सून शी विल क्राई टू, बहुत ही जल्दी वो भी रोने लग जाएगी ऐसे में। मस्ट आई ब्रिंग ग्रीफ ऑन ऑल हु लव मी, क्या मैं सभी को दुखी कर दूँ जो लोग मुझे प्यार करते हैं यहाँ पे। आई हियर दैट जयमाल माई ब्रेव कजिन हैज फेस्ड I hear that Jemal, my brave cousin, has faced both
एग्जाइल एंड डिसग्रेस ऑन माई अकाउंट। मैंने यहाँ तक ये भी सुन रही हूँ कि जयमाल जो कि मेरा कज़िन है उसे एग्जाइल भी मिला है और डिसग्रेस भी मिला है मेरी वजह से। एंड वाई और क्यों? बिकॉज आई वर्शिप कृष्णा, सिर्फ इसलिए कि मैं कृष्णा जी की पूजा करती हूँ। माई स्वीट लॉर्ड, मेरे प्रिय प्रभु, टू होम माई मदर डेडिकेटेड मी वेन आई वॉज 6 years old, वो कृष्ण भगवान जिन्हें मेरी माँ ने मुझे सौंप दिया था जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। नर्स कहती है, योर मदर स्लिप्ड इन स्पीच, दैट्स ऑल व्हेन सेइंग सी द ब्राइडग्रूम। कहती है कि योर मदर स्लिप्ड इन स्पीच, आप तुम्हारी मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, दैट्स ऑल व्हेन सेइंग, बस इतना ही कह पाई जब ये वो ये कह रही थी कि सी द ब्राइडग्रूम, देखो दूल्हा दुल्हन को। मीराबाई जेंटली कहती है कि यू डू नॉट अंडरस्टैंड, माय मदर न्यू माय नीड्स। कहती है कि तुम नहीं समझती, मेरी माँ को मेरी सारी ज़रूरतों के बारे में पता था। नर्स कहती है विथ अ ट्रैंकल स्माइल, हु नोज द एंड ऑफ एनीथिंग अंटिल इट कम्स, कौन जानता है किसी भी चीज़ का एंड जब तक कि वो एंड आ ना जाए। देर इज़ अ साउंड ऑफ वॉइसेस इन द पैसेज आउटसाइड, ऑलमोस्ट एन अल्टरकेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द गार्ड्स एंड सम वुमेन। कुछ आवाज़ आ रही है बाहर से पैसेज में, आउटसाइड ऑलमोस्ट एन अल्टरकेशन इज टेकिंग प्लेस, कुछ लड़ाई झगड़े टाइप की आवाज़ आ रही है कुछ औरतों और गार्ड्स के बीच में। संजुता रन्स टू द डोर एंड पुल्स असाइड द हैवी पर्दा। संजुक्ता दरवाजे की तरफ जाती है और वो बड़े भारी भरकम जो पर्दा है उसको असाइड करती है। शी टर्न्स हर फेस फुल ऑफ टेरर टुवर्ड्स द प्रिंसेस एज टू फीमेल अटेंडेंट्स एंटर कैरिंग अ ट्रे ऑन विच स्टैंड्स अ मैग्निफिशेंट गोल्डन गॉबलेट। तो वो देखती है कि दो फीमेल अटेंडेंट्स आई है जिनके हाथ में एक गोल्डन गॉबलेट है, कुछ बड़ा सा कलश वगैरह। फर्स्ट अटेंडेंट कहती है, द राणा सांगा लॉर्ड ऑफ मेवाड़ सेंड्स ऑफ प्रिंसेस मीराबाई द चरणामृत। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा है, मेवाड़ के प्रभु, उन्होंने प्रिंसेस मीराबाई के लिए चरणामृत भेजा है। द नर्स स्क्रीम्स एंड थ्रोज हर्सेल्फ बिटवीन द अटेंडेंट्स एंड द प्रिंसेस। नर्स उनके बीच में आ जाती है वहां पे और नर्स फ्रेंटिकली कहती है कि शी शैल नॉट ड्रिंक, द प्रिंसेस शैल नॉट ड्रिंक आउट ऑफ राणा'स कप। नर्स कहती है कि वो नहीं पिएगी, राजकुमारी नहीं पिएगी राणा ने जो कप भेजा है उसमें से चरणामृत हो या जो भी चीज़ हो नहीं पिएगी। शी शैल यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली विल लगता है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ को स्टबन के साथ में बोला जाए या कमिटमेंट के साथ में बोला जाए तो शी के साथ में शैल लग जाता है, ही के साथ में भी शैल लग जाएगा, और कोई सिंगुलर नाउन हो या नाम हो उसके साथ में भी शैल लग जाता है। ये सिमिलरली इसी तरह से कि जैसे आई और बी के साथ में विल लगा दिया जाता है। मीराबाई मूविंग फॉरवर्ड, मीराबाई आगे आते हुए कहती है कि पीस नर्स, द राणा ऑनर्स मी। संयुक्ता बर्स इनटू नॉइसी सॉब्स, लीड द पुअर चाइल्ड अवे। मीराबाई आगे आते हुए कहती है शांति रखो, राणा जी मुझे बहुत ही सम्मान देते हैं, ऑनर्स देते हैं। संयुक्ता बर्स इनटू नॉइसी सॉब्स, संयुक्ता वहाँ बैठ करके मतलब सिसकने लग जाती है। लीड द पुअर चाइल्ड अवे, मीराबाई तभी कहती है कि इस बेचारी को यहाँ से हटाओ। संयुक्ता कहती है रशिंग फॉरवर्ड आगे आते हुए, नो आई विल ड्रिंक द कंटेंट्स ऑफ द कप, मैं पीऊंगी इसे। मीराबाई कहती है ओनली रॉयल मे सपोर्ट द बर्डन ऑफ रॉयल्टी, थ्रू द अटेंडेंस गिव मी द कप, सिर्फ मुझे ही हक है ये रॉयल चीज़ें जो रॉयल्टी, ओनली रॉयल्टी मे सपोर्ट द बर्डन ऑफ रॉयल्टी लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ मुझे ही हक है कि ये रॉयल चीज़ें जो आई है तो मैं रॉयल परिवार की हूँ और इस चीज़ को पीने का सिर्फ मुझे ही हक है, गिव मी द कप, कप मुझे दे दो। द अटेंडेंट्स मूव फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट द ट्रे टू द प्रिंसेस, शी लिफ्ट्स द ग्रेट कप एंड होल्डिंग इन इन बोथ हैंड्स एडवांसेस अंटिल शी स्टैंड्स
in the very center of the great room. Attendance आगे आती है और ट्रे प्रिंसेस को दे देती है, वो कप को उठाती है और एडवांस आगे आती है, तब तक के आगे आती है जब तक कि वो उस बड़े से रूम के सेंटर में बीचों बीच ना पहुंच जाए. द नर्स हैज फॉलन ऑन हर नीज. नर्स अपने घुटनों पे बैठ जाती है, हर हैंड्स रेज इन एन एटीट्यूड ऑफ सप्लिकेशन. संयुक्ता स्टैंड्स एज इफ इट टर्न्ड इनटू मार्बल. संयुक्ता तो कुछ इस तरह से खड़ी हो जाती मानो मार्बल की बन गई हो. द टू अटेंडेंट्स आर मोशनलेस. दोनों अटेंडेंट्स जो आई हुई मोशनलेस है, वो बिल्कुल नहीं हिल रही. मीराबाई स्लोली रेजेस द ग्रेट कप एंड एज अ टोकन ऑफ ह्यूमिलिटी प्लेसेस इट अपॉन हर हेड एंड देन ब्रिंग्स इट डाउन टू द लेवल ऑफ हर लिप्स. तो मीराबाई पूरे सम्मान के साथ में उस कप को उठाती है, अपने सिर तक लेकर के जाती है और उसके बाद में उसे थोड़ा नीचे ला करके अपने होठों के पास लेकर के आ जाती है. नर्स कहती है नो नो डू नॉट ड्रिंक, मत पियो उसे. मीराबाई कहती है आई वुड मीट डेथ विथ करेज एज अ चाइल्ड ऑफ द हाउस ऑफ मेहता शुड. मैं इस तरह की मौत मरूंगी जैसा कि मतलब वास्तव में मेहता के किसी बच्चे ने मरना चाहिए, उस बहादुरी भरी मौत. शी पुट्स हर लिप्स टू द रिम ऑफ द कप एंड स्लोली टिल्ट्स इट अंटिल शी हैज ड्रेन्ड इट्स कंटेंट्स. देन शी होल्ड्स इट आउट in front of her, swaying a little, awaiting her doom. उसे पी लेती है पूरी तरह से और कप को पकड़ करके खड़ी रहती है और इंतजार कर रही है अपने समय आने का. संयोगता almost hysterical कहती है चिल्लाते हुए कि a miracle, चमत्कार हो गया. नर्स कहती है हर स्वीट ब्लड इज सो प्योर दैट डेथ हु लर्क्ड इनसाइड द कप हैज स्लंक अवे अशेम्ड. इन मीराबाई का स्वीट ब्लड इतना प्योर है कि मौत जो कि इस कप के अंदर छुपी हुई थी भाग गई है शर्म के मारे. मीराबाई स्टिल होल्डिंग द कप एंड चैंटिंग विद मिस्टिक फर्वर. मीराबाई अभी भी कप को लेकर के खड़ी है और कुछ भगवान के लिए कुछ चैंट कर रही है और कहती है काना हैव आई बॉट द प्राइस ही आस्ट आई पेड. कहती है कि काना हैव आई बॉट के बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, सेमी कॉलन लगा हुआ है. सेमी कॉलन का मतलब जनरली देखा जाए तो एक मान लीजिए कि फुल स्टॉप टाइप ही होता है. तो अब इसका मतलब यहाँ पे होगा कि काना हैव आई बॉट, मैंने खरीदा है कान्हा को, मैंने खरीदा है उस कीमत में, वो कीमत दे करके जो कीमत मांगी गई उस कीमत में मैंने खरीदा है. सम क्राई टू ग्रेट वाइल अदर्स जियर टू स्मॉल. कुछ लोग मानते हैं कि वो कीमत बहुत ज्यादा है, कुछ लोग मानते हैं कि वो बहुत ही छोटी है. आई पेड इन फुल वेट टू द अटमोस्ट ग्रेन. मैंने लेकिन पूरी तरह से अपना सब कुछ दिया है. माई लव माई लाइफ माई सेल्फ माई सॉल माई ऑल. मेरा प्यार मेरी जिंदगी अपने आप को मेरी आत्मा को मेरा सब कुछ मैंने दे दिया है. शी सेट्स डाउन द कप एंड विदाउट लुकिंग एट एनी वन वॉक्स अक्रॉस द रूम एंड डिसअपियर्स बिहाइंड द पर्दा विच कंसील्स द डोर ऑफ हर शिन. और वो कप को वहाँ नीचे रख देती है, किसी को भी देखे बिना अंदर अपने रूम में चली जाती है पर्दे के पीछे और अपने आप को वहाँ पे बंद कर लेती है जहाँ पे उनके प्रभु है. और इस तरह से मतलब ये चैप्टर ख़त्म होता है. आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.